महिंद्रा की थार, ये नाम सिर्फ एक कार नहीं बट लोगों के बीच में एक इमोशन बन गया है। थार 2 साल पहले लॉन्च हुई थी एंड इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अभी तक इस कार पे बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है। इतना लंबा कि शायद उतने टाइम में न्यू अपकमिंग थार ही लॉन्च हो जाए। तो यस, इस वीडियो में आइए बात करते हैं अपकमिंग 5-डोर थार के बारे में। क्या है एक्सपेक्टेड चेंजेस, क्या होगी एक्सपेक्टेड प्राइस एंड आखिर क्या होगी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, आइए जानते हैं। तो 5-डोर थार हाल ही में स्पॉट हुई थी अपनी टेस्टिंग कैमोफ्लेज में। इसके डिजाइन को अगर हम देखें तो इसका ये बॉक्सी डिजाइन जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है वो महिंद्रा ने सेम ही रखा है। ये बेसिकली सेम डिजाइन है बट विथ एन एडिशनल रो इंसर्टेड। ये अभी जीप रैंगलर से काफी सिमिलर देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस रो आपको ये थार काफी लंबी मिल जाएगी अपने 3-डोर वर्जन से। ये आपको 3 वर्जन में मिल सकती है। 1 is 7-seater वर्जन जिसमें 3rd row जंप सीट की तरह होगी विच इज नॉट दैट कम्फर्टेबल एंड सेफ। 2nd version हो सकता है 7-seater विथ नॉर्मल फ्रंट फेसिंग 3rd row सीट्स एंड नॉर्मल 5-seater विथ बिग बूट स्पेस जिसके चांसेस थोड़े कम हैं बट हो सकता है। नाउ 5-डोर थार अभी फैमिली सेगमेंट को टारगेट कर सकती है सो उसकी वजह से ये अपने सारे वेरिएंट्स को ऑल व्हील ड्राइव शायद नहीं रखेगा। महिंद्रा 5-डोर थार के अपने लोअर के कुछ वेरिएंट्स रियर व्हील ड्राइव लॉन्च कर सकती है जो कि हायर वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा। करंट 3-डोर थार अच्छे पावर के साथ आती है सो इफ कार की लेंथ एंड वेट बढ़ेगा तो महिंद्रा थार के इंजन को भी अपग्रेड जरूर करेगा। कहा जा रहा है कि थार में आपको सेम स्कॉर्पियो N के इंजन ऑप्शंस मिलेंगे विथ बिट ऑफ अ ट्यूनिंग ऑफ कोर्स जो भी होगा बट एक चीज है कि 5-डोर थार में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। कहा जा रहा है कि आपको न्यू 5-डोर के साथ 3-डोर वर्जन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे महिंद्रा ने अपनी क्लासिक स्कॉर्पियो को थोड़ा कम पावरफुल किया है वैसे ही थार 3-डोर में भी कर सकते हैं टू इंक्रीज ओवरऑल माइलेज। नाउ ऐसी ही कुछ चीजें जो महिंद्रा अपनी अपकमिंग थार पे डाल दे तो मजा ही आ जाएगा। जैसे करंट थार में आपको बोनेट बहुत ही हेवी मिलता है विथ नो हाइड्रोलिक सपोर्ट सो वी एक्सपेक्ट कि इफ थार अभी एक फैमिली सेगमेंट में जा रही है तो उसमें हाइड्रोलिक सपोर्ट इन बोनेट जरूर दे जिससे फैमिली के कोई भी मेंबर को उसे खोलने में आसानी रहे। थार के राइड क्वालिटी काफी बम्पी होती है जो कि 5-डोर वर्जन में वी एक्सपेक्ट कि महिंद्रा इस पे थोड़ा काम जरूर करे। एक इम्पॉर्टेंट चीज जैसे बूट स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक फैमिली कार में जो कि ना के बराबर है करंट 3-डोर थार में सो इस एरिया में भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। इसमें फीचर्स लाइक रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑटो डिमिंग IRVMs जैसे कई इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स की कमी है जो कि महिंद्रा अपनी अपकमिंग थार में कमी पूरी कर सकते हैं। करंट 3-डोर थार की प्राइस आपको 13.53 लाख एक्स शोरूम से लेकर ₹16.03 लाख एक्स शोरूम तक देखने को मिलती है जो कि अपकमिंग 5-डोर थार में आपको स्टार्टिंग प्राइस ₹15 लाख एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। में अभी टाइम तो लगने वाला है। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2023 1st quarter में है एंड ये कम्पीट करेगी 5-डोर मारुति सुजुकी जिमी एंड 5-डोर फोर्स गोरखा से। तो यस, इट इज वेरी एक्साइटिंग। तो ये था हमारा क्विक वीडियो महिंद्रा थार 5-डोर के बारे में। वी होप कि आपको एक रफ आइडिया आ गया हो अपकमिंग थार 5-डोर के बारे में। ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इफ ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स की दुनिया से अपडेटेड रहना पसंद है तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, लिंक्स आर इन दी डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ड्राइविंग।